बीपीएससी की परीक्षा के परिणाम घोषणा के बाद परीक्षार्थियों में काफी खुशी का माहौल है। कोई एसडीएम बना तो कोई डीएसपी, कोई कार्यपालक पदाधिकारी। वैसे में नालंदा जिला के करापसा प्रखंड के एक युवक ने एसडीओ के पद पर चयन किया गया, जो कि करापसा प्रखंड समेत जिले में वह नाम रोशन किया है। बता दें कि वह युवक करापसा प्रखंड क्षेत्र के रहने वाला और बीपीएससी परीक्षा में 21वीं रैंक लाकर वह सफल होने वाला है, जो कि करापसा प्रखंड के फरासपुर गांव निवासी धनराज कुमार है। रविवार को करापसा प्रखंड क्षेत्र के मलिकपुर गांव में धनराज कुमार के बुआ के यहां एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां हिलसा अनुमंडल क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण पहुंचे हैं। खासकर हिलसा विधानसभा क्षेत्र के विधायक कृष्ण कुमारी शर्मा प्रेम मुखिया पहुँचे हैं और अंग्रवस्त्र माला पहनाकर एवं बैग, डायरी एवं अन्य प्रकार के उपहार देकर सम्मानित किए हैं। इसके अलावा हिलसा अनुमंडल क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, समाज सेवी एवं बुद्धिजीवी वर्ग के लोग पहुँचे हैं और सम्मानित करने का काम किए हैं। इस दौरान स्थानीय विधायक ने कहा कि मुझे गर्व की बात है कि हमारा पैतृक प्रखंड करापसुरा है, जहाँ के एक युवक ने जिले का मान बढ़ाया है। वह एसडीओ पद पर चयनित किया गया है, जो मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दिया और परिवार को भी बधाई दिया है कि वैसे होनहार छात्र हैं। बता दें कि धनराज कुमार ने बताया कि बीपीएससी की परीक्षा जो चाहते हैं कि पास करें, वह कड़ी मेहनत करें। जो कोई काम करते हो या जिस पढ़ाई क्षेत्र में हो, वह अपने मेहनत और लगन के साथ अगर काम करें तो आप सफलता जरूर पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार में बीपीएससी की परीक्षा में उन्होंने सफलता पाया है और एसडीओ के पद पर चयनित किया गया है। हालांकि इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि स्टूडेंट फ्रेंड्स बुक की मदद से लिया और साथ में पटना जिला में वह नौकरी में थे, नौकरी करने के बावजूद उन्होंने यह सफलता पाया है। इस मौके पर हिलसा विधानसभा क्षेत्र के विधायक कृष्ण मुरारी शरण प्रेम मुखिया के अलावे काबा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष भरत शर्मा, असाड़ी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार, सिकसौरा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष मुन्ना कुमार, डियामा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सोनू सिंह, पूर्व पैक्स अध्यक्ष पूरन सिंह, मुखिया दिनेश चौधरी, मुखियापति अनिल कुमार, करापसा प्रखंड के जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष अगम कुमार, सांसद के प्रतिनिधि सुबोध कुमार, करापसा थाना के थानाध्यक्ष दीपक कुमार, करापसा प्रखंड के प्रमुख मिथिलेश कुमार, होल कमेस्ट्री क्लास के संचालक शशि सर, पैक्स अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार, हिलसा व्यापार मंडल के अध्यक्ष नागेंद्र कुमार, नालंदा कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष के अलावे विभिन्न लोग थे। तैयारी अपनी मेहनत के दम पे किया, बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं मिला, तो मैं क्षेत्रवासियों को कहना चाहता हूँ, जो बच्चे सुन रहे हैं, जो तैयारी करने वाले सुन रहे हैं, कि मेहनत के दम पे कोई भी मुकाम पाया जा सकता है। मैं अभी कोई बहुत बड़ा मुकाम नहीं पाया हूँ, लेकिन मेहनत करने से कुछ भी किया जा सकता है, ये मेरे माइंड में हमेशा से था। तो जो भी लोग हैं, जो भी गरीब लोग हैं, जिनको उतना सुविधा नहीं मिलता है, जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो समस्याओं का समाधान करने का कोशिश करें और अपने मेहनत के दम पर सफलता प्राप्त करने की कोशिश करें। मेहनत करने वालों को सफलता ज़रूर मिलती है। लगातार पढ़ें, मेहनत करें और आप सफल ज़रूर होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं अभी सफल हुआ हूँ तो मेरी और जिम्मेदारी बढ़ गई है, काम करने की जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं काम करूँगा, अपने क्षेत्रवासियों के लिए काम करूँगा। जहाँ पोस्टिंग होगी वहाँ अपने ईमानदारी, जैसा सर ने बताया कि अपने धैर्य, ईमानदारी, निष्ठा के साथ काम करूँगा, मैं इसको पूरे करने का कोशिश करूँगा और जो मुझे मौका मिला है काम करने का, उसको सफल बनाने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद। पैसा लेकर के न कि हम पटना में या कोटा में हम दिन रात सिनेमा देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो उससे संभव नहीं है, ये बात जान लीजिए। अगर इस टाइप के जो लड़के हैं वो बाप माई का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इसका मूल उदाहरण आपके सामने बैठे हुए हैं। इन्होंने मेहनत किया, कठिन तपस्या की, चूंकि ये पद जो है ये मामूली चीज नहीं है। यूपीएससी के बाद यही बीपीएससी का पद जो है यही यूपीएससी भी कंप्लीट कर सकता है, वो लड़का जो कि आज डीएसपी या एसडीओ बना है। तो हम इनको पूरे
प्रखंड पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र के तरफ से मैं इनको धन्यवाद देता हूं और इनका अभिनंदन करता हूं कि ये सरकार में रह करके जो अपना कर्तव्य होता है, सरकार का जो नीति है उसके अनुसार ये चलें, ताकि आने वाले समय में लोग कहें कि भाई फलाने जगह का SDO यहाँ आया था, उसने अच्छा काम किया। जैसे हिलसा में भी हम लोग देखे हैं बहुत SDO आए हैं जिन्होंने काम अच्छा किया है, बढ़िया काम किया है, उनके बारे में लोग अभी भी चर्चा करते हैं। तो मैं इनको कहूँगा कि पूरी अपनी ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करें और अपना नाम रोशन करें। इतना बात करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।